हे गाइस, दिस इज आशीष और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के बारे में। गाइस, ये एक ऐसा कॉलेज है जो कि आपको बिल्कुल वाइब देगा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वाली, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी फेमस है। मतलब जितने भी आपके कॉलेजेस आते हैं उत्तर प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर में, उसमें से वन ऑफ द बेस्ट ये काउंट होता है कि हाँ, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग कि वातावरण कैसा है, वहाँ के लैबोरेटरीज़ कैसे हैं, वहाँ के इक्विपमेंट्स कैसे हैं, कैसी चीज़ें हैं, आपको कट ऑफ कितनी चाहिए, फ़ीस क्या आपकी है वहाँ की। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, गवर्नमेंट एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बांदा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं वहाँ के वातावरण की। गाइस, काफ़ी लश ग्रीन कैंपस है, तो फिर आपको पढ़ाई में बड़ा मन लगेगा और ऑल टाइम हमेशा पढ़ाई वाला एटमॉस्फेयर बना रहता है। मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं बट उस पीक पे नहीं होती, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी अदर कॉलेजेस में होती हैं, तो फिर ऑल टाइम पढ़ाई वाला वातावरण बना रहता है। और बात करें गाइस इसकी कट ऑफ की, तो फिर गाइस इसकी कट ऑफ, अगर आपके मार्क्स अगर आपकी रैंक 10,000 है तो फिर आप इसमें एलिजिबल हैं एज इन जनरल कैटेगरी। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10,000 से 15,000 के बीच में भी रैंक वेरी करती है, तो फिर आप उसके लिए बिल्कुल ही देख सकते हैं अपनी कट ऑफ को, जो भी आपकी रैंक है, रिस्पेक्टेड रैंक। बात करते हैं गाइस कि इनके डिपार्टमेंट्स की, तो काफ़ी बढ़िया डिपार्टमेंट्स हैं। मतलब इक्विपमेंट्स, फैकल्टीज, सारी चीज़ें, मतलब जो भी आपको मिल रही होंगी, मतलब दैट्स ऑल राइट। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको जुगाड़ से काम करना पड़ रहा है या फिर इस चीज़ की कमी है, जैसे ज़्यादातर कभी कभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में होती है, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर से। अब बात करते हैं यहाँ के मेन चीज़ जो कि है लेक्चर थिएटर्स की। गाइस, लेक्चर थिएटर्स बहुत ही प्यारे प्यारे बने हुए हैं, मतलब वो भी थोड़ा सा आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वाला फील आ सकता है कि काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस टाइप के एलटीज़ हैं वहाँ पे, तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं हम लोग हॉस्टल की, क्योंकि हॉस्टल एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है आपकी थ्रू आउट द 5 ईयर की जर्नी में। तो फिर हॉस्टल भी आपको मतलब इंटरमीडिएट टाइप के हैं, मतलब ना ही ज़्यादा इतने आपको लग्जरी मिलेंगे ना ही बेकार से मिलेंगे, इंटरमीडिएट टाइप के हैं, तो वो भी काफ़ी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। रूम्स की बात करें तो रूम्स में वाइट कलर का पेंट है और आपके डबल सेकेंड और फर्स्ट ईयर में आपके डबल सीटिंग में रूम होते हैं, तो फिर आपको मैं ये दिखा देता हूँ फ़ोटो। और काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेयर, मतलब जो कंस्ट्रक्शन एरिया बीच का ग्राउंड हॉस्टल का, वो काफ़ी बढ़िया से बना हुआ है, राइट। तो बात करते हैं मेस की, तो गाइस मेस भी यहाँ की ठीक है, मतलब एवरेज है, ना ही ज़्यादा बेस्ट है ना ही ज़्यादा वर्स्ट है, एवरेज में आती है, तो फिर आप कह सकते हैं हाँ मेस ठीक है, काम चल सकता है। ऐसा भी नहीं कि आप जो है बिल्कुल ही दूर भागे यहाँ से, बिल्कुल ही गंदा खाना है, ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ पे एक कल्चरल फेस्ट भी होता है गाइस, और वो भी काफ़ी मतलब ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं होता, मतलब जो आप सोचते हैं कि आप एक बड़े प्रीमियम कॉलेज में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बाहर से भी लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता गाइस। कॉलेज के अंदर वाले व्यक्ति जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बट स्टिल ये कॉलेज आपको काफ़ी कुछ दे के जाता है। तो आशा करता हूँ गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और डाउट है इस कॉलेज से रिलेटेड, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी काफ़ी डिटेल्स शेयर करता रहता हूँ। और आप मुझे पर्सनली DM करके पूछ सकते हैं, मैं सारे मैसेजेस का रिप्लाई देता हूँ, कमेंट्स का, सारे कमेंट्स का भी रिप्लाई देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय।